आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछली 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, महंगाई की मार भुखमरी पर रार। दूसरा, किसान आंदोलन में तालिबानियों का क्या काम। तीसरा, महंगाई ताबड़तोड़ पार्टियों में फ्री देने की होड़। चौथा, त्योहारों का मौसम आया महंगाई की सौगात लाया। और पांचवा, जीडीपी के बाद बिजली की मार के लिए हो जाएं तैयार। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता परेशान है। संदीप ने अपनी डिबेट में बढ़ती महंगाई पर ही बात की और बीजेपी नेताओं को घेरा भी। तो ये तो सरकार का आंकड़ा मान रहा है ना कि 9,30,000 के करीब बच्चे भयंकर कुपोषण से ग्रसित हैं। ये जवाब दिया है, चीजें भुखमरी या देश की समस्याएं हैं, इसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये जो रिपोर्ट जो है कि 116 देशों में हम 107वें रैंक पे हैं, पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो अफगानिस्तान हमसे आगे है, क्या ये आप बताओ ना, आप तो देशभक्त मानता हूँ मैं आपको, आप बताओ। देशभक्ति का पैमाना ये नहीं होता कि मैं देश के अंदर कोई समस्या है उसको नजरअंदाज कर दूं। नहीं, देश की समस्या पे चर्चा करो ना फिर। मैं समस्या पर ही तो चर्चा कर रहा हूँ, ये समस्या है कि नहीं है। तो फिर पिछले साल का भी जो सूचकांक था उससे पिछले साल का, उसमें भी भारत अपने पड़ोसियों से पीछे रहा है, क्या ये एक समस्या है या हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पे चर्चा करो ना कि हम कुपोषण और बच्चों के बाल के पोषण के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके स्टनिंग के लिए सरकार क्या कर रही है। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, हर मोर्चे पर सरकार फेल, पर किसी मोर्चे पर विपक्ष खड़ा क्यों नहीं। दूसरा, ब्लैक मनी इकोनॉमी, राजनीति के लिए ऑक्सीजन है ब्लैक मनी। तीसरा, आर्यन खान केस, निगाहों में आर्यन खान, निशाने पर शाहरुख खान। चौथा, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, कोयला खादान के खेल में फंस गई सरकार। और पांचवा, फेल्ड गवर्नेंस, फेल्ड इकोनॉमी, कॉरपोरेट पर निर्भर है आत्मनिर्भरता का ढोंग। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी वीडियो में सरकार की हर पहलू पर घेरने की कोशिश की और अहम जानकारी के साथ सरकार पर सवाल भी उठाए। कमाल की स्थिति है, और इन परिस्थितियों में जिस तरीके से एयर इंडिया औने पौने दाम में ये कहकर बेच दिया गया, हम तो बरसों बरस से लगे हुए थे कि इसे बेच दिया जाए और अब बिक गया है, तो आप सवाल खड़ा करते हैं। हमें लगता है कि इस देश के बैंक हो चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इस देश की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इस देश के भीतर में एजुकेशन का सवाल हो या एजुकेशन और डिग्री पाने के बाद रोजगार का सवाल हो, मौजूदा वक्त की सरकार ने हर दृष्टि से आंखें मूंद कर इस देश को जातियों में बांटा है। पहले धर्म में बांटकर सियासत को साधना चाहा, अब जातियों में बांटकर अपनी सत्ता को बचाए रखने की एक आखिरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस देश का सच क्या है, और देश का सच क्या इतना विभत्स हो गया है कि इकोनॉमी का बंटा धार कर दिया गया और उसके बाद आत्मनिर्भरता का नारा लगाया गया, और आत्मनिर्भरता का मतलब सब कुछ अपने हाथ से दूसरों को सौंपते हुए चंद पैसे हथेली में रखकर अपने खर्चे को बढ़ा लें और फिर शानदार गाड़ियों में घूमने लगे, यह परिस्थिति है। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ की पत्रकार नाविका कुमार की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, किसान आंदोलन में लिंचिंग पर लीपापोती क्यों। दूसरा, आर्यन खान पर तीन तरफा लड़ाई, क्या राजनीति का शिकार हो रहे आर्यन। तीसरा, वीर सावरकर देश के हीरो या विलन, सच क्या है। चौथा, आतंकी मरे तो ह्यूमन राइट, जवान की शहादत पर जुबान टाइट। और पांचवा, लखीमपुर घटना पर महाराष्ट्र में बंद, पर लोगों को पीटने की छूट किसने दी। नाविका ने अपने डिबेट में कई मुद्दों का जिक्र किया जिसमें महंगाई का मुद्दा तो नजर ही नहीं आया, ना ही सरकार से सवाल करती हुई एक भी डिबेट। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जमानत नहीं। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रही हूँ मैं। नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, आज भी जमानत नहीं मिल सकी उसे। कानूनी दाव पेच में मामला ऐसा उलझ रखा है कि आज चौथी तारीख थी लेकिन जमानत 20 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई के लिए टल गई। 3 अक्टूबर की रात को आर्यन खान को पहले एनसीबी ने पकड़ा था। 20 अक्टूबर को क्या होगा ये हम जानते नहीं है, ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
तब तक 17 दिन आर्यन खान जेल में गुजार चुके होंगे। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की। वह न्यूज 18 पर अपने नए शो देश नहीं झुकने में नजर आ रहे हैं। देखते हैं उनके डिबेट्स। पहला, सिंघू को सीरिया किसने बनाया? दूसरा, CAA पर अब अकल आई? तीसरा, आतंकियों की सफाई महबूबा बौखलाई? चौथा, लखीमपुर पर मौन व्रत, कश्मीर पर मौन? और पांचवा, आतंक का धर्म पता चला? अमन चोपड़ा ने अपनी वीडियोस में आतंकियों पर बात की और विपक्ष पर सवाल उठाई, पर महंगाई पर, चीन की घुसपैठ पर कोई सवाल नहीं किया। महाअष्टमी पर महापाप, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम सवाल पूछना चाहते हैं कि दुनिया के मानवाधिकार चैंपियन, मानवाधिकार के ठेकेदार, मानवाधिकार की फर्जी दुकान चलाने वाले कहां लापता हैं? अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए हजारों लीटर आंसू बहाने वाले कहां हैं? दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर बताने वाले कहां लापता है? कट्टरपंथ के खिलाफ आक्रोश दिखाने वाले कहां गायब हैं? ये सवाल जानते हैं इसलिए कि तस्वीरें देखिए, आपका खून खौलेगा। दुनिया में मानवाधिकार की दुकान चलाने वाले कल बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता पर धृतराष्ट्र बने बैठे। महाअष्टमी के दिन बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को कुचला गया, अपमानित किया गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देवी के पंडालों पर हमले किए, देवी की मूर्तियां अपवित्र की गई। क्या कुछ किया गया मैं बता नहीं सकता आपको। आपको कौन सा एंकर जानकारी देता नजर आया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।